What's up everyone, welcome back to the channel. तो finally अब हम शुरू करने जा रहे हैं business studies. और business studies में we are starting with chapter number 1. Accountancy हम लोगों ने complete कर लिया in approximately 27 to 28 videos. तो अब जो हम start करेंगे वो होगा business studies. और business studies में शुरू करेंगे आज chapter number 1 के साथ. business studies के जितने भी chapters होंगे कोशिश करूँगा one shot रहे, यानी कि 6 videos में आपका business studies complete हो जाए. but कुछ chapters बड़े भी हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग और मार्केटिंग, तो इट मे बी पॉसिबल कि शायद उनके दो दो लेक्चर्स आए, बट 6 to 8 वीडियोस में आपका कंप्लीट 100% कवरेज हो जाएगा. तो आइए फिर शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 के साथ और लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है और कितनी देर में हम चैप्टर नंबर 1 का एक रिविजन ले सकते हैं और कितने टाइम में हम क्वेश्चन कर सकते हैं. लेट्स बिगिन. चलिए जी अब शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 के साथ. देखो यार चैप्टर नंबर 1 एज द नेम सजेस्ट्स, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. नेचर क्या है और सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की. अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये एक कॉमर्स का सब्जेक्ट है या एक कॉमर्स का टॉपिक है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये कोई कॉमर्स का टॉपिक नहीं है. दिस इज अ सब्जेक्ट कॉमन टू एवरी स्ट्रीम. अगर कोई साइंस वाला भी है तो उसको भी मैनेजमेंट चाहिए, कोई कॉमर्स में है तो उसको भी मैनेजमेंट चाहिए, कोई हॉस्पिटल है उसको भी मैनेजमेंट चाहिए. तो ये तो सिर्फ आपको सिखाया जा रहा है कॉमर्स में, बट ये जो टॉपिक है मैनेजमेंट इट इज कॉमन टू एवरी स्ट्रीम, सबको पढ़ना ही पड़ता है, राइट. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैनेजमेंट है क्या. तो याद रखो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. मैनेजमेंट एक कोई थिंग नहीं है या मैनेजमेंट एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है. मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हम काम कर रहे हैं गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स. टारगेट होता है कि गोल्स को पूरा करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो मैनेजमेंट याद रखना इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. मैनेजमेंट को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, मैनेज मैन एंड थिंग्स. टी स्टैंड्स फॉर थिंग्स. यहाँ पे डेरिवेशन करी गई है, डिराइव करा गया है. तो बेसिकली मैनेजमेंट को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो इसमें क्या आ जाता है, मैनेज करना मैन को यानी जो ह्यूमन रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, और थिंग्स, थिंग्स मतलब जो फिजिकल रिसोर्सेज है जैसे मशीनें, जैसे कि आपकी जो भी फिजिकल कैपिटल है जिससे भी आप प्रोडक्शन करते हो उनसे अच्छे से चीजें बना के चलना. तो मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आपको काम करना भी है, काम दूसरों से करवाना भी है. खुद काम करना इज नॉट मैनेजमेंट, दूसरों से करवाना एक ज्यादा मुश्किल टास्क होता है. खुद तो काम कर ही लूंगा यार, मैं कितने अच्छे से अपनी टीम को हैंडल करता हूँ वो मैनेजमेंट है. गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल, गोल जरूर होना चाहिए, बिना गोल के कोई मैनेजमेंट नहीं होता. इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है याद रखना, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टाइम पे काम पूरा करना, सही समय पे काम पूरा करना. और एफिशिएंटली, एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम वेस्टेज में, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में, ये हमारा एफिशिएंसी होता है. तो डेफिनेशन से सीखने के लिए सबसे पहले क्या, प्रोसेस, उसके बाद काम करना करवाना, गोल पूरा करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है. अब एक क्वेश्चन बनता है कि मैनेजमेंट को हम प्रोसेस क्यों बोलते हैं, मैनेजमेंट को हमने इतना बड़ा नाम क्यों दिया, कि व्हाई प्रोसेस. तो प्रोसेस इसीलिए क्योंकि मैनेजमेंट में ना आपको 5 फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं. प्रोसेस क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट में आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. सबसे पहले प्लानिंग, आप प्लान करते हो, फिर ऑर्गेनाइजिंग, आप चीजें ऑर्गेनाइज करते हो, जैसे घर पे भी आप अपना डेस्क ऑर्गेनाइज करते हो ना, अलमीरा ऑर्गेनाइज करते हो ना, तो पहले प्लानिंग, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है चीजें, ऑर्गेनाइजिंग. फिर स्टाफिंग, कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसको कहाँ पे जॉब देना है. फिर डायरेक्टिंग, बताना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, लीड करना, इंस्पायर करना, सब डायरेक्टिंग होता है. फिर कंट्रोलिंग, चेक करना कि काम ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है. तो 5 फंक्शन होते हैं और ये ऐसे ही चलते हैं, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसीलिए इसको प्रोसेस बोला जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पासपोर्ट बनवाना हो तो पासपोर्ट बनवाने का भी प्रोसेस है ना, फेसबुक का आईडी बनाना है, इंस्टाग्राम का आईडी बनाना है, प्रोसेस है ना, पहला ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप. इसी तरीके से मैनेजमेंट का भी प्रोसेस है, प्रोसेस में 5 फंक्शन है. पोस्ट डीसी, पहला प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग. इन्हें अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. बात करते हैं इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी की. इफेक्टिवनेस मैंने आपको बता दिया,
समय पे काम पूरा करना, और एफिशिएंसी का मतलब कम से कम खर्चे में और नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज में, प्रॉपरली यूटिलाइज होने चाहिए मेरे रिसोर्सेज, राइट। इट इज कंसर्न्ड विद अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट्स, इफेक्टिवनेस में एंड रिजल्ट्स जो फोकस है वो एंड रिजल्ट्स पे होगा, टारगेट पे होगा कि वो पूरा हो जाए। और एफिशिएंसी में हम लोग कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, कॉस्ट को कंपेयर करते हैं बेनिफिट से, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कितना खर्चा आया उसके कंपैरेटिवली कितना फायदा हुआ मुझे, ठीक है। प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम, ये इसका बेसिक एग्जांपल होता है कि समय पे काम पूरा हो गया। प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन टू मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चे में हो गया, तो दिस इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पे। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पे चलें तो टोटल हमारे पास 7 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन ऑल देर आर 7 करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कैसा क्वेश्चन बनेगा कि आपने मैनेजमेंट तभी करना है जब आपका एक गोल है। भाई मेरा गोल है कि मैं आप लोगों को आपके एग्जाम से पहले पहले ये सारा काम करा दूं, चाहे वो अकाउंट्स हो, बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिकल एजुकेशन हो। तो क्या मैं उस गोल को एम करके काम कर रहा हूं, मेरा मैनेजमेंट उसी हिसाब से हो रहा है? तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड, हमेशा गोल होगा तो मैनेजमेंट होगा, नहीं तो मैनेजमेंट क्या है यार, फोकस ही गोल पे होता है। नंबर टू, इट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है जी, परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। परवेसिव का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स व्हाट, यूनिवर्सल का मतलब सबको चाहिए। इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, चाहे कोई छोटा स्कूल हो, चाहे कोई कॉलेज हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे आपका घर हो, चाहे मेरा ऑफिस है, मेरा इंस्टीट्यूट है, कुछ भी है, हर इंसान को मैनेजमेंट चाहिए। टॉप लेवल अपने लेवल पे मैनेजमेंट करता है, मिडल लेवल अपने लेवल पे करता है, लोअर लेवल अपने लेवल पे करता है, सब अपने अपने लेवल पे मैनेजमेंट करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज मल्टी डाइमेंशनल, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। मैनेजमेंट इज मल्टी डाइमेंशनल। मल्टी डाइमेंशनल का होता है कि मैनेजमेंट में एक से ज्यादा चीजें कवर होती हैं। याद रखो 3 डाइमेंशंस होते हैं मैनेजमेंट के। कितने डाइमेंशंस होंगे, 3। सबसे पहला होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। आप काम को मैनेज करो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कितना काम है मुझे, हाउ मच वर्क आई एम हैविंग, कि मुझे कितनी वीडियोस बनानी है, कितने दिन में पूरा करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूरे करने हैं, एक दिन में कितनी वीडियो जाएंगी, एडिट कब होगी, कब अपलोड होगी, क्या टाइम होगा। तो दिस इज लाइक मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को मैनेज कर रहा हूँ। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कितने लोग मुझे इसके लिए चाहिए, कौन मेरा एडिटर होगा, कौन मेरे थंबनेल क्रिएट करेगा, कौन मेरे लिए ये पीपीटीज बनाएगा, तो कितने लोग लगेंगे, कम भी नहीं होने चाहिए, ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, है ना। तो दिस इज व्हाट मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। फिर हम दोनों मिलके जब काम करते हैं, लोगों को काम के साथ लगा दिया कि मैंने वीडियोस बना के एडिटर को दे दी, एडिटर ने एडिट करके फिर फर्दर मुझे दे दी कि ठीक है अब अपलोड करवा देना आप अपने कंफर्ट पे, फिर मैंने फर्दर अपलोडिंग के लिए टीम को दे दी कि आप प्लीज इसे सही टाइम पे अपलोड कर देना जब आपको ठीक लगे, थंबनेल वगैरह बन के आ जाए। तो अब एक्चुअल में काम शुरू हो गया, दो लोग मिल गए इसके अंदर, वो काम जो था वो भी और लोग भी। इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स जब एक्चुअल में काम शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी भी हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ काम को मैनेज कर रहा था, यहाँ पे लोगों को, और यहाँ दोनों जब मिलके काम कर रहे हैं, टीम एफर्ट, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो 3 चीजें आ जाती है मल्टी डायमेंशनल में, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल। देन मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होता, मैनेजमेंट चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी भी रुकता नहीं है, कभी भी मैनेजमेंट आपका रुकेगा नहीं, मैनेजमेंट विल कीप ऑन गोइंग। अभी मैं फिलहाल मैनेजमेंट कर रहा हूँ अपनी इस वीडियोज के लिए, फिर टर्म 2 की वीडियोज आ जाएंगी, फिर टर्म 2 का रिविजन आ जाएगा, फिर टर्म 2 के सैम्पल पेपर आ जाएंगे, उसके बाद फिर अगले साल की बातें शुरू हो जाएंगी, फिर कॉलेजेस के लिए तुम दूसरे चैनल पर चले जाओगे, वहाँ पर जाके कॉलेजेस देखोगे, वहाँ पर मैंने कॉलेज रिव्यूज डाले हैं, प्लेसमेंट्स बताई है, आफ्टर 12th कोर्सेज बताए हैं। तो मैनेजमेंट चलता रहेगा हमेशा, है ना। जब मैं 12th में था तो मैं 12th के बारे में सोच रहा था, उसके बाद फिर मैंने कॉलेज के बारे में सोचा, फिर मैंने जॉब वर्सेस बिजनेस सोचा, उसके बाद फिर फैमिली के बारे में, ये चलता रहता है, मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होता। तो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देन मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप में चाहिए होता है, इंडिविजुअल को भी चाहिए, बट स्टिल जब एक ग्रुप काम करता है, एक टीम काम करती है, तो वहां पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो मैनेजमेंट एक कैसा एक्टिविटी हो गया हमारे पास, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इंडिविजुअल तो है जो है,
बट मेजर जो ज्यादा काम रहता है मैनेजमेंट का वो ग्रुप में रहता है। जब इंडियन टीम क्रिकेट खेलती है तो उन्हें मैनेजमेंट की जरूरत है, मिलके लड़ाई झगड़ा नहीं है। बैटिंग वाला बैटिंग करे अच्छे से, बॉलिंग वाला बॉलिंग करे अच्छे से, फील्डिंग वाला तो सब कुछ करेगा। तो मैनेजमेंट एक कैसा एक्टिविटी हुआ? ग्रुप। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब क्या होता है? इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आपको समय के अनुसार खुद को बदलना पड़ेगा, नहीं बदलोगे तो दिक्कत आ जाएगी। अब सपोज हम लोग का ये था कि जो सिस्टम है, जो पैटर्न है वो चेंज हो गया, तो हम सब ने पढ़ाई का पैटर्न भी चेंज करा। हमने अब कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है और कॉन्सेप्ट्स के साथ फिर वन मार्कर्स प्रैक्टिस करने हैं। जितने सैंपल पेपर है सब वन मार्कर्स वाले आ गए। कोई भी अब वही सब्जेक्टिव सैंपल पेपर तो सॉल्व नहीं कर रहा ना। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने अपने मैनेजमेंट को चेंज करा एज पर द टाइम, एज पर द सिचुएशन। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट एक कैसा फंक्शन बन जाता है? डायनामिक फंक्शन बन जाता है। डायनामिक का मतलब विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो समय के साथ बदलता रहेगा। उसके बाद मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है, आपको दिखता नहीं है कि कितना अच्छे से आप काम कर रहे हो। आप अगर प्रॉपरली मैनेजमेंट कर रहे हो, पिछले 10-15 दिन, एक महीना, डेढ़ महीना से आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अभी आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, बट जिस दिन रिजल्ट आएगा आप उस दिन फील कर पाओगे कि हाँ यार मैंने पढ़ाई करी थी तो बढ़िया नंबर आ गए। तो मैनेजमेंट एक कैसा बेसिकली फंक्शन रहेगा, कैसा फोर्स रहेगा? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब जो किसी को दिखेगा नहीं बट उसका इंपॉर्टेंस रियलाइज हो जाता है। तो ये सारे होते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से? गोल ओरिएंटेड, गोल के साथ चलेगा, परवेसिव, सबको चाहिए, मल्टी डायमेंशनल, तीन डायमेंशन होंगे, एक वर्क, काम, पीपल, लोगों को मैनेज करना, ऑपरेशंस, ठीक है। इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, चलता रहेगा कंटिन्यूसली, कभी भी रुकेगा नहीं। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक इंडिविजुअल का नहीं होता, पूरे ग्रुप का होता है। इट इज अ डायनामिक फंक्शन, डायनामिक का मतलब समय के साथ चेंज होता है। एंड इट इज एन इनटेंजिबल फोर्स, इनटेंजिबल फोर्स रहती है। लेट्स टॉक अबाउट नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजर होगा, क्या क्या सोच के चल रहा होगा वो? देखो मैनेजमेंट में बेसिक तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो पहले तो उसी के बारे में सोचोगे। देन सोशल, सोसाइटी को भी ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज आप यूज करते हो सोसाइटी के यूज करते हो। देन पर्सनल, पर्सनल का मतलब एक पर्सन का अपना खुद का, एम्प्लॉइज के खुद के ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन तीन चीजें सोचनी होती हैं। सबसे पहले अगर मैंने कोई कंपनी बनाई तो मैं अगर मैनेजमेंट का पार्ट हूं तो मैं सोचूंगा कि मैं किस तरीके से सर्वाइव करूं। सबसे पहले तो आई रियली वॉन्ट कि मेरी कंपनी लॉन्ग टर्म चले। लॉन्ग टर्म चलने के लिए पहले सर्वाइव करना जरूरी है, तो आई वॉन्ट फर्स्ट सर्वाइवल। सर्वाइवल के बारे में सोचूंगा। सर्वाइवल का मतलब कि मैं इतना पैसा कमा लूं कि मेरा कॉस्ट कवर हो जाए, मैं इतना पैसा बना लूं कि मेरा खर्चा निकल जाए। तो जब भी मैं सर्वाइवल की बात करता हूं, सर्वाइवल से मेरा क्या मतलब है? खर्चा कवर करना, खर्चा निकाल लेना। तो सर्वाइवल मींस इतना प्रॉफिट बनाना या इतना रेवेन्यू बनाना, प्रॉफिट भी नहीं, रेवेन्यू बनाना कि मेरा सर्वाइवल हो जाए, मैं बिजली के बिल चुका पाऊं, मैं लेबर की सैलरी दे पाऊं, मैं अपना मेंटेनेंस कर पाऊं, बस दिस इज सर्वाइवल। सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव होता है। एक बार आप सर्वाइव कर पाए फिर यू लुक आउट फॉर प्रॉफिट्स, फिर आप चाहते हो कि आप बढ़े, रेवेन्यू और बढ़े, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो ग्रो कैसे करोगे, और माल कैसे डालोगे अपनी दुकान में, और ब्रांचेस कैसे खोलोगे, आगे कैसे बढ़ाओगे बिजनेस को। तो सर्वाइवल के बाद यू नीड प्रॉफिट। प्रॉफिट आ गया, आप पैसा कमा रहा हूं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत पैसा आ रहा है, फुल पैसा कमाना शुरू करा। फिर पैसा घर मत ले जाना, कहीं घर जाके सारे खर्चे कर दो चिंटू मिंटू के ऊपर, चिंटू मिंटू का खर्चा नुकसान हो जाएगा, वो बेकार है। कुछ नहीं, खर्चा नहीं करना, आपको क्या करना है, उस पैसे को री इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, उस प्रॉफिट को जो भी एक्स्ट्रा है। देखो घर तो ले जाना पड़ेगा, नहीं तो घर पे खाना नहीं मिलेगा, तो घर तो ले जाना पड़ेगा, बट कुछ पैसा पहले बिजनेस में लगा दो, री इन्वेस्ट कर दो, नए मशीन्स ले लो, नए बिल्डिंग्स ले लो, नए ब्रांचेस खोल लो, लेबर बढ़ाओ, अपनी टीम बड़ी करो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रोथ होना। तो एक बिजनेस इसी ऑर्डर में ग्रो करता है, बड़ा बनता है, पहले वो सिर्फ सर्वाइव करता है, फिर वो पैसा कमाता है, फिर अगर उसका विजन बढ़ा है, माइंडसेट बढ़ा है, एंटरप्रेन्योर लेवल की थिंकिंग है, तो फिर वो ग्रो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब बात करते हैं सोशल, सामाजिक उद्देश्य। सोशल का मतलब होता है सोसाइटी से संबंधित। अब सोसाइटी हमारे से क्या एक्सपेक्ट करती है? हम रीजनेबल रेट्स पे अपने प्रोडक्ट दे दें, सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी का ध्यान रखें। हम पॉल्यूशन ना करें, हम जो भी बनाते हैं उससे पॉल्यूशन ना करें, हम पॉलिथिन ना देके पेपर बैग्स दें तो सोसाइटी हमें अच्छा मानेगी।
हम लोग अगर कोई फ्लड वगैरह आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है, तो वहां पे डोनेशन कर दें। हम लोग सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें। हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करें एडुकेशन की तरफ, हेल्थ की तरफ। ये सब कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सारे के सारे कौन से ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे? सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को भी एडुकेशन दे रहे हो, एडुकेट कर रहे हो, तो वो भी आप समाज सेवा कर रहे हो, सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन डेवलप कर रहे हो, वो भी सोशल ऑब्जेक्टिव में चला जाता है। ठीक है, लास्ट आता है फाइनल ऑब्जेक्टिव पर्सनल। पर्सनल जब भी आ जाए तो पर्सनल समझना पर्संस का। पर्संस का मतलब एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को टाइमली सैलरी देना, उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए इंसेंटिव्स देना, बोनस देना, उन लोगों की अपनी पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए सेमिनार्स कंडक्ट करवाना, उन लोगों की मदद करना अलग अलग सिचुएशंस में। तो कहीं पे भी आप पर्सनली अपने एम्प्लॉयज की हेल्प कर रहे हो, तो वो सब किस में चला जाता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में। तो हमेशा कितने ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ने हैं? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, फिर सोशल, सामाजिक, एंड देन पर्सनल। पर्सनल किसके हो जाएंगे? आपके सारे के सारे एम्प्लॉयज के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाई इज मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट? ये क्यों जरूरी है? मैनेजमेंट में भी ना वही सारी, देखो बेसिक वही चीजें लिखी हुई है जो ऊपर पड़ी। इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरे ग्रुप्स काम करते हैं। अच्छा मैनेजमेंट होगा तो सभी के गोल्स पूरे हो जाएंगे। सपोज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में चार डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन जो सामान बनाता है, सेल जो सामान बेचता है, फाइनेंस जो पैसा अरेंज करता है, मार्केटिंग जो मार्केटिंग करता है। अगर हम अपना बेसिक गोल जो स्टार्टिंग में रखा था, जो प्लानिंग करी थी कि 30% सेल बढ़ाना है, सेल बढ़ गया, मार्केटिंग खुश, प्रोडक्शन का सामान बिक गया, प्लानिंग वाला खुश, जो परचेज वाला है उसने रॉ मटेरियल जितना भी खरीदा होगा सारा यूटिलाइज हो गया होगा, तो ग्रुप गोल्स अचीव हो जाते हैं। आपका अगर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होता है तो सभी के गोल्स अचीव हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट मदद करता है, अच्छा मैनेजमेंट है, कोऑर्डिनेशन है चारों डिपार्टमेंट्स में, तो हेल्प करता है इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब मिनिमम वेस्टेज, है ना? एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब कम से कम वेस्टेज। जब अच्छा मैनेजमेंट होगा तो बताओ क्या वेस्टेज होगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। बढ़िया मैनेजमेंट है तो सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है, सब कुछ ऑन टाइम हो रहा है, वेस्टेज अपने आप ही क्या रहेगा? रिड्यूस्ड रहेगा। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा मैनेजमेंट हमेशा एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बना के चलेगा। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो सोच के चलेगा कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। अब जब कोविड आया तो कोविड के अकॉर्डिंगली सभी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को छुट्टी नहीं दी, वर्क फ्रॉम होम दिया कि आप घर से काम करो, लैपटॉप्स दिए, चेयर्स दी, इतना कुछ प्रोवाइड करा। तो क्या वो समय के साथ खुद को बदला? उन्होंने काम होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा। अब जो खुद को बदल पाया वो ग्रो कर पाया, जो नहीं बदला वो बंद हो गया, बंद हो गया, नहीं हो गया। तो एक अच्छा मैनेजमेंट ऑलवेज क्रिएट्स कैसा ऑर्गेनाइजेशन? डायनामिक, जो समय के साथ खुद को चेंज कर पाए। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखता है मैनेजमेंट। एक अच्छा मैनेजमेंट ये समझता है कि ऑर्गेनाइजेशन किससे है? एम्प्लॉयज से है। एम्प्लॉयज अगर अच्छे नहीं होंगे, एम्प्लॉयज अगर सही से मोटिवेटेड नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मदद करता है कि पर्सनली काम करो, ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाए, राइट? लास्ट क्या आता है? इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प्स यू इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी में क्या होता है कि एक मैनेजमेंट ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी सोचता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है, लोगों को अवेयर करता है अपने अच्छे एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू। तो क्या एक अच्छा मैनेजमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी भी करता है? यस। तो देखो हमारे पास क्या क्या हुआ। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, पूरे ग्रुप गोल्स पूरे होते हैं अच्छे मैनेजमेंट हो करो, एफिशिएंसी, मिनिमम वेस्टेज होगा, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा मैनेजमेंट पहले से ही सोच के चलता है कि अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, समय के साथ बदलना आना चाहिए। इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, एम्प्लॉयज का ध्यान रखते हैं, एंड इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का भी उतना ही ध्यान रखते हैं जितना अपना। तो ये सारी इंपॉर्टेंस हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है जी हमारे पास? नेक्स्ट आता है हमारे पास द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट में कितने लेवल हो सकते हैं? अब देखो हम एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के नीचे एम्प्लॉयज होते हैं। तो तीन लेवल मैनेजमेंट के होते हैं। सबसे पहला होता है टॉप लेवल, जो सबसे ऊपर होते हैं मालिक लोग, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, जो बिल्कुल टॉप लेवल के लोग होते हैं वो सब टॉप में आते हैं। फिर आता है मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल में कौन आ जाते हैं? मिडल लेवल में आते हैं जो टॉप से नीचे होते हैं, कि जो पॉलिसीज टॉप ने बनाई उनको इंप्लीमेंट करवाने वाले। यहां पे प्रोडक्शन हेड्स आते हैं, यहां पे मार्केटिंग हेड आते हैं, यहां पे सेल्स हेड आते हैं, मतलब डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। ये शब्द याद रखना, डिपार्टमेंटल मैनेजर,
डिपार्टमेंट्स के मैनेजर, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स का सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग का मार्केटिंग मैनेजर, जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं वो सब इस लेवल पे आते हैं। ऑपरेशनल लेवल, ये वो लेवल है जो एम्प्लॉइज से एक्चुअल में काम करवाता है, एम्प्लॉइज के जस्ट ऊपर वाला लेवल वो ये होता है ऑपरेशंस को देखने वाला। यहाँ पे मेनली फॉरमैन, सुपरवाइजर्स, ये लोग काम करते हैं। तो ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, ये तीसरा लेवल होता है। तो कितने लेवल होंगे? तीन। टॉप, जो बॉस लेवल के लोग होंगे सबसे ऊपर वाले, फिर मिडल, जो बीच में होंगे, इन दोनों के बीच का लिंक होंगे ये, फिर लोअर लेवल जो बिल्कुल एम्प्लॉइज से काम करा रहे होंगे। तो कितने लेवल होते हैं आपके पास, जल्दी से देखो, टॉप, मिडल, लोअर, ठीक हो गया। अब देखो हमारे पास सुपरवाइजर, लिख देता हूं मैं मेन मेन सुपरवाइजर, ये आ गया, फॉरमैन, इंस्पेक्टर, ये मेनली लोअर लेवल पे आ जाते हैं। मिडल में सारे के सारे डिपार्टमेंटल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स का मतलब प्रोडक्शन मैनेजर, सेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, है ना, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। टॉप लेवल में आपको पता ही है, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके अलावा सीईओ, सीएफओ, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक हो गया, बढ़िया हो गया जी। एक बात याद रखना, इसमें आता है जनरल मैनेजर, जो जनरल मैनेजर होता है वो इन सभी डिपार्टमेंट्स का बॉस होता है, तो वो भी टॉप लेवल में ही जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, प्लांट सुपरिटेंडेंट भी हमारा मिडल लेवल पे चला जाता है, ये भी एक कॉमन नाम है जो आपको पता होना चाहिए, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये भी हमारा मिडल लेवल में चला जाता है। तो आपके पास प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड हो गए, ये सब इसमें आ जाते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं तो इससे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस हैं जो टॉप लेवल निभाए, कौन कौन से फंक्शंस हैं जो मिडल लेवल निभाए, कौन कौन से फंक्शंस हैं जो लोअर लेवल निभाए। लोअर लेवल से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं, वर्कर्स पे नजर रखते हैं, वर्कर्स से काम कराते हैं, क्वालिटी ये मेंटेन करते हैं कि प्रोडक्ट सही क्वालिटी बन रहा है या नहीं बन रहा है, वर्कर्स में कोई डिस्प्यूट तो नहीं हो रहा उसका ध्यान रखते हैं, वर्कर्स का अगर कोई मैसेज है जो टॉप लेवल तक पहुंचाना है वो ये पहुंचाते हैं। ये सब लोअर लेवल का काम होता है, ठीक है। मिडल लेवल की बात करूं तो अपने डिपार्टमेंट की स्टाफिंग, अपने डिपार्टमेंट की स्टाफिंग यानी कि इसके डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, रिक्रूटमेंट करना, अपने डिपार्टमेंट का कौन करता है, मिडल लेवल। मिडल लेवल एक लिंक है टॉप और लोअर लेवल के बीच में। मिडल लेवल वो पॉलिसीज एग्जीक्यूट करवाता है जो किसने बनाई, टॉप लेवल ने बनाई। अपने डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ये भी मिडल लेवल का काम है। तो ये सब मिडल लेवल का काम होता है। टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेलफेयर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर, सारी पॉलिसीज ये बनाते हैं, सारा का सारा फाइनेंसेस ये मैनेज कर रहे होते हैं, बेसिक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन ये बना के चलने की मदद करेंगे। तो ये सारे फंक्शंस किसके होते हैं हमारे पास, टॉप लेवल के होते हैं। इसके साथ साथ बिजनेस एक्टिविटीज, सोसाइटी में जितना भी काम हो रहा है उसका जो प्रभाव आ रहा है सोसाइटी पे, इनकी एक्टिविटीज का इम्पैक्ट जो आया सोसाइटीज पे, उसके लिए भी टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं हमारे पास। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सब कौन निभा रहा है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। होपफुली आपने साथ साथ लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे तो जो भी तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है वीडियोस के साथ लेके बैठा करो यार, रिविजन हो जाएगा बढ़िया। टॉप, मिडल, लोअर, ठीक है। लोअर के दो नाम और, सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है जी नेचर ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट है कैसा। तो जब भी आई टॉक अबाउट नेचर, तो नेचर में ना हमेशा याद रखना तीन चीजें कंसिडर होंगी। क्या मैनेजमेंट को मैं साइंस बोलू, क्या मैनेजमेंट को मैं आर्ट बोलूं, क्या मैनेजमेंट को मैं प्रोफेशन बोलूं, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। ठीक है यार, सबसे पहले ये तो जान लो साइंस क्या होता है, ये तो जान लो आर्ट क्या होता है, फिर कंपेयर कर लेंगे मैनेजमेंट से, देखेंगे मैच होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्ट। एक आर्ट क्या होता है, अगर हम बात करें किसी भी आर्टिस्ट की, तो आर्टिस्ट के पास सबसे पहले थियोरिटिकल नॉलेज होती है। जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया था हनी सिंह और अरिजीत सिंह, एक हनी सिंह है और एक अरिजीत सिंह है, दोनों आर्टिस्ट है, बोथ आर आर्टिस्ट, दोनों को हम आर्टिस्ट बोलते हैं। क्या दोनों के पास थ्योरेटिकल नॉलेज सेम होगी, दोनों ने सुर सेम सीखे होंगे, प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, एक बढ़िया लेवल में लोगों को रुलाने में लगा हुआ है, एक लोगों को पार्टीज में डांस करवा रहे हैं,
तो बेसिकली यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों के पास होती है, तो आर्टिस्ट के पास सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। नंबर दो, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ये है जो लोगों को दूसरों से अलग बनाता है। उस नॉलेज का एप्लीकेशन, जो उस पर्टिकुलर नॉलेज का एप्लीकेशन है, वो अलग अलग हो सकता है। अब उन्हीं सुर को अरिजीत सिंह अलग तरीके से लगाएंगे और उन्हीं सिर को हनी सिंह अलग तरीके से लगाएंगे। दोनों का अपना अपना एप्लीकेशन होगा, यही दोनों को अलग अलग बनाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखना, थ्योरेटिकल नॉलेज होगी सबसे पहले, फिर पर्सनलाइज एप्लीकेशन होगी, दोनों की अपनी अलग अलग एप्लीकेशन होगी। तीसरा, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रियाज करेंगे, जितना घर में बैठ के गाना गाएंगे, उतना स्टेज पे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उतनी अच्छी रिकॉर्डिंग होगी। तो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी तो आप जानते ही हैं किस तरीके से घुमाना है। अबे हमारे मास्टर सलीम है, सलीम साहब ऐसा खतरनाक सुर लगाते हैं, वो अलग ही लेवल पे गा रहे हैं, तो वो कोई भी नहीं गा पा रहा। तो बेसिकली यहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें हैं। एक आर्टिस्ट के पास सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, फिर अपनी अपनी एप्लीकेशन होती है, और फिर प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी होती है। क्या एक मैनेजर के पास भी ये सब होता है? कल आप मैनेजर्स बनोगे तो आप सबने बेसिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट तो सेम ही पढ़ी होगी। अभी हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो सबने ही सेम पढ़े होंगे। तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो मैनेजमेंट के पास भी होती है, एक मैनेजर के पास भी होती है, बात तो सही है, करेक्ट है जी। उसके बाद क्या सभी मैनेजर्स की अपनी अलग अलग एप्लीकेशन होगी कि किस तरीके से आप प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो? जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने सीखे हैं, कोई अलग तरीके से लगाएगा, कोई अलग तरीके से लगाएगा। अगर प्रॉफिट गिर रहा है तो कई बोलेंगे डिस्काउंट बढ़ा के प्रॉफिट बढ़ा लो, कई बोलेंगे नहीं यार गिफ्ट दे दो, कई बोलेंगे कि नहीं यार बाय टू गेट वन फ्री कूपन लगा लो। तो एप्लीकेशन तो सबकी अलग अलग हो सकती है ना, मैनेजमेंट में भी यही बात है। फिर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। एक मैनेजर जितना क्रिएटिव होगा, जितना प्रैक्टिस करता चला जाएगा, जितना एक्सपीरियंस होल्डर होता चला जाएगा, उतना बेटर होता चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कोई भी काम हो तो मैनेजमेंट में भी ये चलता है। तो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ आर्ट से मैनेजमेंट को, तो तीनों ही चीजें मैच हो रही है यार, थ्योरेटिकल नॉलेज भी, पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी भी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ मैनेजमेंट एक आर्ट है? यस, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट। आप मैनेजमेंट को आर्ट बोल सकते हो। तो याद रखना, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? हम बोलेंगे यस। तो जो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी ना, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, वहां पे आप लगा सकते हो मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। टन टनाटन डन। साइंस की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट साइंस। अब साइंस तुमने 10th तक पढ़ी है, 11th 12th में आके छोड़ दी, लेकिन साइंस का ज्ञान तो सबको है। साइंस में क्या होता है? सबसे पहले एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। सिस्टमेटाइज्ड का मतलब हर जगह सिस्टम है। केमिस्ट्री पढ़ा है, एटॉमिक नंबर याद करा दिए, एटॉमिक नंबर एक पे ये, हाइड्रोजन दो पे ये, तीन पे ये, चार पे ये, पांच पे ये, 20 तक तो सबको याद होते हैं, पूरे एटॉमिक नंबर याद करा दिए, ठीक है। सिमिलरली बायोलॉजी में अलग, ये फोटोसिंथेसिस होता है जी, ये हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, ये हाइड्रोलिसिस होता है, और ये मुझे तो याद भी नहीं आ रहे, बहुत सारे भूल गया मैं, वहाँ भी एक सिस्टम पढ़ा दिया। ऐसा ही फिजिक्स में, ये ओम्स लॉ है, और जी आपका ये ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये लॉ ऑफ मोशन है, ये इनर्शिया होता है, मोमेंटम होता है, वो पढ़ाते रहते हैं बैठ के। तो हर चीज का एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एक सिस्टम बनाया गया है, राइट। उसके बाद ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, कौन से प्रिंसिपल? साइंस के जितने भी लॉज हैं, जितनी भी चीजें हैं, ये सब बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन है। इन पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे गए हैं, ऑब्जर्वेशन करे गए हैं, फिर ये बने हैं। ऐसे नहीं बन के आ गए एक दिन में कि रात को न्यूटन के सपने में भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने न्यूटन को आशीर्वाद दिया कि हे वत्स, कल तुम सुबह बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाओगे, ये अनाउंस कर दो कि ये लॉ है, और न्यूटन ने अनाउंस कर दिया, न्यूटन को दुनिया जानती है। ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? एक्सपेरिमेंटेशन करे न्यूटन के, बाल उड़ गए सारे एक्सपेरिमेंटेशन करते करते, बुजुर्ग हो गए वो, तब जाके उन्होंने एक लॉ निकाला। तो एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद प्रिंसिपल्स बने, ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल्स बने हैं। फिर यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का क्या मतलब हुआ? यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं साइंस के, वो पूरे वर्ल्ड में एक ही होते हैं, सब जगह। जितने भी लॉज हैं, चाहे वो लॉ ऑफ मोशन हो, लॉ ऑफ ग्रेविटी हो, लॉ ऑफ इनर्शिया हो, जितने भी हो, वो सभी यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। चाहे इंडिया हो, चाइना हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, हर देश में सेम टू सेम अप्लाई होता है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट साइंस। मैनेजमेंट से कंपेयर कर लो, क्या मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है? क्या मैनेजमेंट में भी एक प्रॉपर सिस्टम है कि पहले मैनेजमेंट का मतलब पढ़ो, फिर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ो, फिर मैनेजमेंट के बारे में और धीरे धीरे आगे पढ़ो? यस, ऑब्वियसली।
तो ये तो मैच हो गया, मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन है? अब जितने भी प्रिंसिपल्स बने होंगे मैनेजमेंट के, अभी हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसा डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क, काम बांट के चलो, बहुत सारे हैं। तो ये सभी प्रिंसिपल्स क्या फेयोल ने, फेयोल इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ मैनेजमेंट, फादर ऑफ मैनेजमेंट किसको बोला जाता है, फेयोल को, हेनरी फेयोल, क्या फेयोल ने एक ही दिन में दे दिए होंगे? नहीं, उन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन करे, ऑब्जर्वेशन करे, उसके बाद वो प्रिंसिपल्स दिए, बट वो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन ह्यूमन बींग्स पे हुए, और ह्यूमन बींग्स को पहचान पाना तो पॉसिबल नहीं है। इंसान कब बदल जाए कुछ नहीं पता, 5 मिनट तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा, 5 मिनट बाद किसी और के साथ है तो किसी और का, ये इंसान की फितरत है, इंसान ऐसा ही है। तो ऑब्जर्वेशन से तो बने हैं, मैं मान गया ऑब्जर्वेशन में बने हैं, बट क्या वो एग्जैक्टली सेम रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये मैं डिफाइन नहीं कर सकता। तो ठीक है, ये मैच हो रहा है, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, बट क्या वो यूनिवर्सली वैलिड भी होंगे? क्या वो अक्रॉस ग्लोब सेम चलेंगे या नहीं चलेंगे, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इंसान सब जगह अलग अलग है, everyone is having a different mindset, everyone is having a different personality, everyone is having a different decision making skill, सबके पास अपनी अपनी ability, skill, अलग अलग चीजें हैं, तो skill set अलग अलग है तो universally तो applicable हो ही नहीं सकता, हर जगह discipline अलग होता है, right? तो ये universally applicable नहीं होते, जो management के principles हैं वो आपको मॉडिफाई करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं एज पर सिचुएशंस आपको बदलने पड़ेंगे, तब हो पाएगा, अदरवाइज चीजें नहीं हो पाएंगी। तो क्या साइंस का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है? साइंस से ये तो मैच हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं हुआ, तो हम मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस तो नहीं बोल सकते, वी विल नॉट कंसिडर मैनेजमेंट एज अ एग्जैक्ट साइंस, इवन वी विल कॉल मैनेजमेंट एज एन इनएग्जैक्ट साइंस। क्या बोलूंगा मैं मैनेजमेंट को? इनएग्जैक्ट साइंस बोलूंगा, या फिर इम्प्योर साइंस बोल दूंगा, या फिर सोशल साइंस बोल दूंगा। तो याद रखना, मैनेजमेंट साइंस नहीं है, या तो इनएग्जैक्ट या इम्प्योर या सोशल साइंस है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे की तरफ, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, लेट्स टॉक अबाउट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सबसे पहले प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशनल्स किसको मानते हो? डॉक्टर्स को, लॉयर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, टीचर्स को, जो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास एक बहुत एक्सीलेंट स्किल है जो कि एक आम आदमी में नहीं है, और वो स्किल के दम पे सर्विस प्रोवाइड करके अपना घर चला रहे, स्किल के दम पे सर्विसेज दे के लोगों को सर्व कर रहे, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो प्रोफेशनल सबसे पहले कौन होगा? जिसके पास एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होगी, एक बढ़िया ज्ञान होगा उसके पास, चाहे वो डॉक्टर हो उसके पास डॉक्टरी नॉलेज है, चाहे वो लॉयर हो उसके पास लॉ का ज्ञान है, चाहे वो टीचर हो उसके पास किसी एक सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज है। तो सबसे पहले तो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, है ना, नॉलेज है तो ही वो प्रोफेशन है, राइट। नंबर 2, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशनल बनने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी बन जाएगा, डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री जरूरी है, लॉयर के पास प्रॉपर क्या चाहिए, एक लॉ की डिग्री, उसके बाद बार काउंसिल का सर्टिफिकेट चाहिए प्रैक्टिस के लिए, डॉक्टर को भी सर्टिफिकेट चाहिए। सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम ICAI, टीचर को अगर टीचिंग करनी है तो उसको भी गवर्नमेंट एग्जाम्स, अगर गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाना है तो हमारे टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट TET, हमारे यूपी में UPTET होता है, UPTET TET, इस तरीके के एग्जाम्स, BEd कंपलसरी है, टीचर्स के पास कम से कम बैचलर्स ऑफ एजुकेशन हो, तो मतलब डिग्री का कंपल्शन वहाँ भी है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, यानी कि कोई भी कहे कि मैं पढ़ा सकता हूँ, या कोई भी कहे कि आई एम द डॉक्टर, या कोई भी कहे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ऐसा नहीं होता, डिग्री है, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, आप ऐसे नहीं जा सकते। प्रोफेशनल एसोसिएशंस, मोस्टली प्रोफेशंस की सारी एसोसिएशंस होती हैं, जैसे डॉक्टर्स की MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर्स की BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसी तरीके से एसोसिएशन बनी हुई है, एसोसिएशन मतलब ग्रुप बना हुआ है, और उसी ग्रुप के अकॉर्डिंगली वो सब लोग काम करते हैं, वही ग्रुप रूल्स और रेगुलेशंस भी डिफाइन करता है इन सभी प्रोफेशनल्स की। इसके बाद एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इनके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो इन्हें फॉलो करके चलने पड़ते हैं। डॉक्टर्स के भी एथिक्स हैं, लॉयर्स के भी एथिक्स है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी, वो हमेशा अपने एथिक्स में रहके, अपने दायरे में रहके काम करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी जिसका जो मन करे वो कर रहे हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। लास्ट होता है हमारे पास सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का क्या मतलब हुआ? सर्विस मोटिव का मतलब होता है कि इनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो लोगों को सर्व करना होता है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाए, पैसा कमा सकते हैं बिल्कुल, हर इंसान को पैसा चाहिए, एवरी इंडिविजुअल नीड्स मनी टू सस्टेन लाइफ, अगर आपको कुछ भी करना है तो पैसा चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, यू नीड मनी,
है ना, बट आपका जो मोटिव होता है वो लोगों को सर्व करना होता है। पैसा ये लोग दबा के कमाते हैं, बढ़िया कमाते हैं, बट सर्व भी करते हैं सोसाइटी को। डॉक्टर आपको हेल्दी रखता है, लॉयर आपको मदद करता है लीगल प्रोसीडिंग्स में, टीचर आपको मदद करता है एडुकेशन में। तो हर प्रोफेशनल कहीं ना कहीं सोसाइटी को सर्व कर रहा है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये पॉइंट बोलता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं मैनेजमेंट की, चलो मैनेजमेंट से मैच करते हैं। क्या एक मैनेजर के पास भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक ज्ञान है, उसने भी मैनेजमेंट का प्रॉपर ज्ञान लिया है? यस, ये तो होगा। क्या मैनेजर बनने के लिए भी कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है क्या, कि मैनेजर बनने के लिए कम से कम एमबीए होना जरूरी है या कोई और पर्टिकुलर डिग्री होनी जरूरी है? अभी तक ऐसा नहीं है, कंपल्शन नहीं है, बट अब जितनी कंपनीज देख रही हैं मैनेजर्स को, वो लोग कह रहे हैं कि एमबीए होना जरूरी है। एक अच्छा मैनेजर, वी नीड एमबीए, है ना। तो अभी धीरे धीरे शायद आने वाले समय में सिचुएशन चेंज हो जाए, बट फॉर नाउ अभी के लिए ऐसा कंपल्शन नहीं है, तो ये तो नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस, क्या मैनेजर की भी एसोसिएशंस है? मैनेजर्स की एसोसिएशन है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट उसके अंदर रजिस्ट्रेशन इज नॉट येट कंपल्सरी। कंपल्शन नहीं है कि आप रजिस्टर करो, आपकी इच्छा है, करना चाहो कर लो, नहीं करना मत करो। तो ये भी अभी तो जस्टिफाई नहीं होता, शायद फ्यूचर में हो जाए। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या मैनेजर्स के भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट, कोई रूल्स रेगुलेशंस, कुछ ऐसी चीजें होती हैं क्या? अभी तक तो नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइंड नहीं है, क्योंकि एसोसिएशन ही नहीं है, वही तो बनाएगी, तो ऐसा अभी तक नहीं चल रहा। क्या एक मैनेजर सोशल मोटिव, सर्विस मोटिव करके चलता है? देखो, एक अच्छा मैनेजर हमेशा दोनों चीजों को ध्यान में रख के चलेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी और सर्विस मोटिव भी। बट क्या हर मैनेजर इस चीज को फुलफिल कर रहा है? नहीं, टू एन एक्सटेंट कोशिश करी जाती है कि ठीक है सर्विस मोटिव भी करा जाए, बट हर मैनेजर इस चीज को अभी तक प्रोवाइड नहीं कर रहा, प्रूव नहीं कर रहा, जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो सर्विस मोटिव अभी तक भी हमें एग्जैक्टली तो देखने को नहीं मिलता, बट हाँ कह सकते हैं कि पार्शली थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे पांचों में से लगभग एक ही फीचर मैच होता है, बस वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, उसके अलावा कोई भी फीचर एग्जैक्टली हमारे जो टारगेट्स हैं या जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं उनको मीट नहीं करता। तो मैं डायरेक्टली क्लियरली कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट अभी तक तो कहीं से भी प्रोफेशन नहीं है, मैनेजर्स को प्रोफेशनल्स नहीं बोला जा सकता, बट शायद आने वाले टाइम में जिस हिसाब से काम हो रहा है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है एडुकेशन को, डिग्रीज को, रिसर्च को, शायद आने वाले टाइम में मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन कंसिडर करा जाए। तो दिस इज वॉट द टॉपिक इज, मैनेजमेंट क्या आर्ट है? यस। क्या साइंस है? ऑलमोस्ट, बस ये फीचर मैच नहीं हुआ तो प्योर साइंस तो नहीं बोलूंगा। क्या दोनों का कॉम्बिनेशन बोल सकता हूँ? यस, ये बोल सकता हूँ, इट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, ठीक है। क्या प्रोफेशन है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था, दिस वॉज ऑल अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारे पास आ जाते हैं, हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर देयर। मैंने आपको शुरू में बताया कि मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस क्यों है, क्योंकि उसके अंदर एक सीरीज है जो आपको पूरी की पूरी फॉलो करनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? काम को प्लान करना पड़ता है। सपोज मैंने एक नई फैक्ट्री लगाई, एक कंपनी खोली, तो मैं सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा कि मेरा ये गोल है कि मुझे मार्केट में लीडर बनना है, मुझे अपनी सेल इतनी करनी है, मतलब मैं चीजें प्लान करूंगा सबसे पहले। प्लान करने के बाद फिर मैं ऑर्गेनाइज करूंगा। ऑर्गेनाइज करने का मतलब डिपार्टमेंट्स बनाना, ऑर्गेनाइज करने का मतलब चीजें प्रॉपरली डिफाइन करना, ग्रुपिंग करना कि क्या काम होगा, कौन कौन से काम एक साथ होंगे, कौन कौन से काम एक साथ होंगे, किस तरीके से चीजें चल रही होंगी, ये ऑर्गेनाइजिंग होता है। फिर स्टाफिंग करना, कितने लोग होंगे जो ये सब काम कर रहे होंगे, 2 होंगे 4 होंगे 10 होंगे 15 होंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सही इंसान सही जगह पे आना चाहिए, ये स्टाफिंग होता है। देन सिर्फ स्टाफिंग करना सफिशिएंट है या मुझे अपने हिसाब से उन्हें काम भी बताना पड़ेगा? मुझे काम भी बताना पड़ेगा, मुझे गाइड करना पड़ेगा, इंस्पायर करना पड़ेगा, लीडरशिप करनी पड़ेगी, मोटिवेट करना पड़ेगा कि ये काम ऐसे करो, उसको हम डायरेक्टिंग बोलते हैं। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और लास्ट में मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये लोग काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, उसको हम बोल देते हैं कंट्रोलिंग। तो 5 चीजें होती हैं, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, एंड देन कंट्रोलिंग करना। ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जो कि 5 चैप्टर्स भी हैं। टर्म 1 में आपके पास 2 हैं, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग अभी पढ़ेंगे बस डिटेल में, उसके बाद टर्म 2 में 3 जाएंगे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये 5 फंक्शंस हैं, ऐसे ही चलते हैं, तोड़ नहीं सकते, इसी ऑर्डर में चलेंगे, इसीलिए हम इसका पूरा प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। चलो जी, अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और बचता है इस चैप्टर में, जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन। टॉपिक का नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। अब देखो यार, सबसे पहले ना लोगों को कंफ्यूजन होता है कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में। तो कोऑपरेशन क्या होता है? कोऑपरेशन एक इनर पर्सनल मैटर होता है,
कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन में मेरा एक सपोर्टर है, एक मुझे सपोर्ट करता है या कोवर्कर है जो मेरे साथ मिलकर काम करता है। अब सपोज वो एक दिन छुट्टी पे है तो मैं कहीं ना कहीं उसकी मदद कर दूंगा उसका काम पूरा करने में, क्योंकि कल को अगर मैं छुट्टी पे होऊंगा तो वो भी तो मेरा काम करेगा ना, तो हम दोनों कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं। बट पर्सनली मुझे वो इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे पर्सनली वो बिल्कुल बढ़िया नहीं लगता। अब एक दिन क्या हुआ कि मैं घर जा रहा था, बहुत ज्यादा बारिश आ रही थी, तो उसने मुझे हाथ दिया कि प्लीज मुझे घर छोड़ दो, लिफ्ट दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं रुका ही नहीं, मैं भाग गया, उसे इग्नोर कर दिया। तो मैं उसके साथ कोऑर्डिनेशन तो बना के चल रहा हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बट कॉपरेट नहीं करना चाहता। तो कॉपरेशन हमेशा इंसान के पर्सनल लेवल पे होता है, वो करना चाहे करे, नहीं करना चाहे मत करे। कोऑर्डिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, आपको करना ही पड़ता है, कोऑर्डिनेट आप हमेशा करके चलोगे क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट है जी। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? इट मींस ब्रिंगिंग टुगेदर, आप एक साथ लेके आते हो क्या क्या द एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटीज, जितनी भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है सब एक साथ लेके आऊंगा, द एक्टिविटीज एंड द रिसोर्सेस, सभी रिसोर्सेस को, एंड ब्रिंगिंग हार्मनी इन देम। हार्मनी का मतलब एकता लेके आना, कोई लड़ाई झगड़ा ना होना। दूसरा याद रखना, कोऑर्डिनेशन को हम लोग सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स भी बोलते हैं। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब सिंक करना, डिस्प्यूट्स खत्म करना, एक साथ लेके चलना। तो व्हाट एक्चुअली इज कोऑर्डिनेशन? एक साथ लेके आना सभी एक्टिविटीज और सभी रिसोर्सेस को, और उनमें हार्मनी मेंटेन करना। कोऑर्डिनेशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को ही क्या बोलना है? द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस का मतलब मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट, वन मार्कर में आ सकता है। कोऑर्डिनेशन क्या होगा? एसेंस होगा, द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट होगा, इसके बिना मैनेजमेंट अधूरा है। ठीक हो गया, ये याद रखना। अब देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन के, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या क्या हैं। जैसे एक इंसान के फीचर होते हैं ना, हाँ भाई वो बहुत हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत स्मार्ट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, फीचर्स है ना, ऐसे ही कोऑर्डिनेशन के भी। नंबर वन, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेशन करता है, एक साथ लेके चलता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, इंडियन टीम को ले लो, इंडियन टीम में बैट्समैन अलग है, बॉलर अलग है, फील्डर्स अलग है, विकेटकीपर अलग है, और स्टाफ अलग है, जो उनके कोचेज हैं या जो उनके फिजियोज हैं या जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है वो अलग है। तो कोऑर्डिनेशन उनमें बना बहुत जरूरी है, वो सब कोशिश करेंगे कि सभी मिलके टीम को जिताने की तरफ जाएं। इंटीग्रेशन बना के रखें, एकता बना के रखें, लड़ाई झगड़े ना करें, तो इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है, देन इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अच्छा कोऑर्डिनेशन ये मेक श्योर करेगा कि हमारा एक्शन में यूनिटी बनी हुई है, यूनाइटेड है हम लोग, है ना, यूनाइटेड अगर हम रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे, हम लोग के में लड़ाई झगड़े के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। यूनाइटेड रहेंगे तो बढ़िया रहेंगे, है ना, तो अलग अलग हो जाओगे तो बिखर जाओगे, हार जाएगी टीम, लेकिन अगर यूनाइटेड होके चलेंगे तो फिर टीम पक्का जीतेगी। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन में हम लोग क्या बात करते हैं कि जो भी ग्रुप है उनके एफर्ट्स सब प्रॉपरली चल रहे हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलो ताकि आपके एफर्ट्स वेस्ट ना हो, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स ना हो, हर ग्रुप का एफर्ट सक्सेस में बदल जाए। और यूनिटी ऑफ एक्शन में होता है कि जब टीम उतरेगी मैदान पे तो फिर यूनाइट होके खेले, बिल्कुल यूनाइटेड रहे, यहाँ पे सभी ग्रुप्स इन्वॉल्व हो गए और यहाँ पे जो लोग एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे हैं वो सब आ गए। तो इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, पूरे ग्रुप्स के एफर्ट्स इंटीग्रेट करके चलो, एक साथ करके चलो, और फिर एक गोल की तरफ चलो, एम तुम्हारा जीत होनी चाहिए, वो यूनिटी ऑफ एक्शन। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन कभी खत्म नहीं होता, जैसे मैनेजमेंट है ना वैसे ही कोऑर्डिनेशन है, कभी भी खत्म नहीं होता। कोऑर्डिनेशन आपको बना के ही रखना पड़ेगा जब तक आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। उसके बाद ऑल परवेसिव, कोऑर्डिनेशन हमेशा परवेसिव है, सबको चाहिए, छोटा ऑर्गेनाइजेशन उसको भी चाहिए, बड़ा उसको भी चाहिए, साइंस है उसको भी चाहिए, कॉमर्स है उसको भी चाहिए, सबको चाहिए यार, कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ेगा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, हर मैनेजर की ये जिम्मेदारी है कि वो कोऑर्डिनेट करे दूसरे मैनेजर के साथ, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करो। इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन, डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? डेलिबरेट होता है बेटा जी कॉन्शियस, ये एक कॉन्शियस एफर्ट है, अपने होश में अपनी इच्छा से आपको ये करना पड़ेगा। बढ़िया है, तुम लोग करोगे तो तुम्हारा ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, तो इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन और इसको डेलिबरेटली ही फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुक्का लगा दिया कुछ हो गया, ऐसा नहीं, इसे डेलिबरेटली ही फॉलो करना है आपको। तो ये सब इसके फीचर्स होते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन करना, ग्रुप एफर्ट्स इंटीग्रेट करके चलना, यूनिटी ऑफ एक्शन, एक्शन में यूनिटी दिखनी चाहिए, एकदम लगना चाहिए कि हाँ ठीक है एकदम प्रॉपर तरीके से सब काम कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, परवेसिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स एंड डेलिबरेट।
अब चलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की तरफ। इंपॉर्टेंस में हमारे पास तीन पॉइंट्स आते हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस कब बढ़ जाती है, कब जरूरत पड़ती है ज्यादा लोगों को एक साथ लेके चलने की। देखो अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं अकेला हूं तो मुझे खुद को तो मैं कोऑर्डिनेट कर ही लूंगा। जिस दिन दो हो जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन की नीड बढ़ जाएगी, मुझे उसकी मदद करनी है, उसे मेरी मदद करनी है। तीन हो जाएंगे और बढ़ जाएगी, चार हो जाएंगे और बढ़ जाएगी, फिर एक ब्रांच और खोल ली, दो ब्रांच होगी, वहां भी चार लोग हुए, आठ लोग हुए, एक ब्रांच और खोल ली। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ते हैं, ओवरऑल ग्रोथ होता है, क्या कोऑर्डिनेशन की नीड भी बढ़ जाती है, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। तो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस कब बढ़ती है, व्हेन देयर इज ग्रोथ इन साइज, जब आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है। तो जब ग्रो करेगा यू नीड मोर 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 एंड मोर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जैसे प्रोडक्शन अलग, सेल्स अलग, मार्केटिंग अलग, बहुत सारे फंक्शंस हैं और डिपार्टमेंट भी ऐसे बने हुए। एक बैंक को ले लो, बैंक में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं कि पैसा जमा करना है तो वो कैबिन, विड्रॉ करना है तो वो कैबिन, लोन लेना है तो वो, मैनेजर का वो। जब अलग अलग फंक्शंस होते हैं ना और सब इंटर रिलेटेड होते हैं, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, एक भी अगर बीच में काम नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर सेल्स वाला सेल नहीं करेगा तो प्रोडक्शन का प्रोडक्शन बेकार है, मार्केटिंग की मार्केटिंग बेकार है, सामान बिकना जरूरी है। अगर फाइनेंस वाला पैसा अरेंज नहीं करके देगा तो सब काम रुक जाएगा। तो जब फंक्शंस अलग अलग होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन की नीड उतनी ही बढ़ जाती है, सबको एक साथ चलना जरूरी हो जाता है, नहीं चलोगे तो गोल्स अचीव नहीं होंगे। लास्ट आता है जी स्पेशलाइजेशन। व्हाट इज स्पेशलाइजेशन, आजकल जमाना है स्पेशलिस्ट का, हर आदमी ये चाहता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलिस्ट काम कर रहा हो। फाइनेंस है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर दे, मार्केटिंग है तो MBA कर दे, कोई ऐप वेब डेवलप करवानी है तो प्रॉपर ऐप डेवलपर्स होने चाहिए, वेबसाइट या वेब डेवलपर्स होने चाहिए, हर आदमी स्पेशलिस्ट से काम कराना चाहता है। अब स्पेशलिस्ट ही अगर सब कुछ करेंगे तो स्पेशलिस्ट में बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश हो जाएगा, ईगोइस्टिक हो जाएंगे वो लोग, उन्हें लगेगा कि यार बढ़िया हमारे बिना और कुछ नहीं चल सकता। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एक या एक से ज़्यादा स्पेशलिस्ट हो जाते हैं तो स्पेशलिस्ट तो अपने आप को समझते हैं कि हम सब जानते हैं, हमारे से ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो वहां पे डिस्प्यूट के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं, डिस्प्यूट के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं जहां पे स्पेशलिस्ट होते हैं, जहां पे स्पेशलाइजेशन का ट्रेंड होता है। तो इसीलिए ऐसी जगह पे जहां पे 2, 4, 10, 20 स्पेशलिस्ट एक साथ बैठे हैं, वहां पे डिस्प्यूट ना हो तो कोऑर्डिनेशन की नीड वहां पे उतनी ही बढ़ जाती है। तो तीन चीजें याद रखेंगे, जब ग्रो कर रहा है आपका ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ हो रहा है तो जरूरत है आपको कोऑर्डिनेशन की। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अगर फंक्शंस के बेसिस पे आपका ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड है तो जरूरत है। एंड स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन का मतलब जब स्पेशलिस्ट काम करते हैं तो वहां पे ईगो क्लैश करता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो वहां पे नीड रहती है किस चीज की, कोऑर्डिनेशन की। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन, और इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 भी पूरा का पूरा प्रिपेयर कर लिया। चैप्टर नंबर 1 में आपने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेना, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्रोसेस क्यों, क्योंकि इसके अंदर 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऐसे ही फॉलो होंगे, ठीक है। फिर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए, 7 फीचर, सही है, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, कॉन्टिन्यूस, मल्टी डायमेंशनल, इनटेंजिबल, इस तरीके के 7, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इंपॉर्टेंस पढ़ा, देन ऑब्जेक्टिव्स 3, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, ऐसे ही सोशल, ऐसे ही पर्सनल, ठीक है। फिर लेवल्स, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, कौन कौन कहाँ कहाँ काम करता है ये देखना है, और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये देखने। देन नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज आर्ट, एज प्रोफेशन, एंड देन एट लास्ट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस। तो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1, होपफुली आपने सारी चीजें अच्छे से रिवाइज कर ली होंगी और 1 go में आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है। जो भी किताब आपके पास है उसमें से एक रीडिंग लगाओ क्विक, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो नंबर नहीं आएंगे, जरूर पढ़ना। और उसके साथ साथ क्वेश्चंस मैं भी टेलीग्राम पे अपने अपलोड कर रहा हूँ, मैं कराऊंगा भी तुम लोग को सैम्पल पेपर BST के, बट पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, कॉन्सेप्ट हो गए तो क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं एक और चैप्टर के साथ, तब तक इसे प्रिपेयर करो और फिर कुछ और नई चीज़ें देखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।